हम तुम ही से प्यार करेंगे। तो भाई अगर तुम यहाँ पे चूतिया बन गए ना तो भाई तुम चुद जाओगे। एक्स ऐसा था, मेरा एक्स वैसा था, मेरा एक्स ये कच्छा पहनता था, मेरा एक्स तुम्हारी एक्स की माँ का। जो सोचना है सोच लो। अगर भाई ये वर्ड, ये सेंटेंस अगर भाई लड़की तुमसे बोलती है तो भाई वहां से तुम चुपचाप चले जाओ। तो भाई तुम्हारे ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला है कि भाई अगर लड़की में तुम ये चीज देखते हो ना तो भाई उसको तुरंत छोड़ के वहां से निकल जाओ, नहीं तो भाई वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी, स्पॉइल कर देगी। और भाई अगर ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप में बोलती है लड़की, अगर भाई तुम सुन लिए तो भाई उसको इग्नोर करना ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर एक बार भाई तुम इग्नोर कर दिए उस चीज को ना तो भाई चीजें बढ़ती जाएंगी और भाई तुम्हारे लिए ट्रबल बढ़ते जाएगा। तो तुमको ये ना करके तुम्हारा भाई ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला है। अगर भाई तुम ये लड़कियों में देखते हो तो भाई वहां से तुरंत छोड़ दो उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तो अगर चैनल पे पहली बार आओ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर तुम लोग भी किसी रिलेशनशिप में हो गए तो भाई तुम लोग का भी एक्सपेक्टेशन ये होगा अपने पार्टनर से कि भाई जितना तुम टाइम लगा रहे हो, जितना तुम एफर्ट लगा रहे हो, जितना तुम एनर्जी लगा रहे हो, पार्टनर भी सेम एनर्जी लगाना चाहिए उस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में। पर भाई बहुत सारी लड़कियां मतलब ऐसा करती हैं कि भाई मतलब अगर तुम उनके लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना भाई उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भाई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। तुम जितना भी एफर्ट लगा लो, जितना भी कुछ कर लो उनके लिए और अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए और बचाने के लिए, तो भाई अगर लड़की भी सामने से उधर से रिप्लाई अच्छा नहीं करती है, अगर भाई तुम अपना 100% उस रिलेशनशिप को दे रहे हो पर भाई अगर तुम्हारा सामने वाला पार्टनर अगर लड़की है, अगर भाई कुछ भी ऐसा मतलब बोलती है जो भी तुमको तुम्हारा भाई इस वीडियो में बताने वाला है, तो भाई उस लड़की को तुरंत छोड़ के चले जाना। तो भाई जो पहला पॉइंट है कि भाई अगर ऐसी लड़की तुमको मिलती है कि भाई बस अपने बारे में सोचती है, अपने बस फीलिंग तुमको बताती है, अगर भाई तुम उसको कुछ भी बताते हो तो भाई वो सुनना पसंद नहीं करती और भाई मुंह को कभी कभी सिकुड़ाने भी लगती है, तो भाई अगर ऐसी लड़की तुम्हारे पास है ना कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स तुमको अच्छे से बताएगी, तुम उसको फील भी करोगे, पर भाई अगर तुम उसको फीलिंग अपनी बता रहे हो ना तो भाई वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। तो भाई ऐसा मान लो कि भाई लड़की को तुमसे बहुत ज़्यादा बात करने को मन कर रहा है, उसके पास बात करने को कोई नहीं है, ठीक है, तुम बात करोगे, भाई पता है मेरे को तुम बहुत ही अच्छे लोग हो, तुम बात करोगे लड़की से उसका मन रखने के लिए, उसका मन हल्का करने के लिए। पर भाई अगर तुमको मतलब कभी घबराहट होती है, कभी तुम्हारे पास नहीं है कोई बात करने को, क्योंकि भाई जो लड़कों की जिंदगी होती है भाई कहीं ना कहीं भाई हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो भाई जब हम लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो भाई कोई ना कोई चाहिए ना हमें मतलब अपने दिल की बात किसी से बताने को, क्योंकि भाई हम लोग घर पे परिवार पे फैमिली में नहीं बता सकते। तुम एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर भाई उस लड़की को कॉल कर रहे हो, अगर भाई वहाँ पे वो लड़की कॉल नहीं उठा रही है, भाई मतलब तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही, अगर भाई मान लो वो कहीं पे बिजी भी है पर तुम अगर उसको टेक्स्ट किए कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घबरा हो रही है, हमको किसी से बात करनी है, अगर भाई इतना लिखने के बाद भी ना अगर भाई लड़की तुमको कॉल बैक नहीं करती है, भाई तुमसे बात नहीं करती है, हमेशा अपने फीलिंग के बारे में सोचती है, तो भाई वो लड़की से तुम दूर हो जाओ, क्योंकि भाई वो लड़की होती है रांड। और भाई ऐसी लड़कियों को छोड़ देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ना ही उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स मैटर करती है, ना ही तुम्हारे थॉट्स मैटर करते हैं, ना ही तुम मैटर करते हो, तो भाई उस रिलेशनशिप में हो ही क्यों तुम। तो भाई जो दूसरा पॉइंट है, अगर भाई लड़की कहती है आई एम बिजी राइट नाउ, मतलब तुम्हारे लिए उसको टाइम नहीं है, क्योंकि भाई अगर कोई भी रिलेशनशिप में रहता है तो भाई टाइम एफोर्ट हम बार बार कह रहे हैं, भाई टाइम एफोर्ट एनर्जी वगैरह सब कुछ बराबर होगा तभी रिलेशनशिप चल पाएगा भाई। तो भाई अगर लड़की ऐसा कुछ भी कहती है ना कि मुझे तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं, या इनडायरेक्टली बोलेगी कि हम बिजी हैं इस वक्त बिजी हैं, और भाई तुम मान भी लोगे, यहाँ पे तुम मान भी लोगे कि हाँ हाँ बिजी होगी, कुछ काम कर रही होगी, ऑफिस जॉब वगैरह बर्तन धुल रही होगी, कुछ भी है। पर भाई एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, डेली कोई नहीं बिजी रहता है भाई मेरे, तुम लोग यही नहीं समझते, तुम सोचो कि भाई वो मतलब बिजी होगी, उसका एग्जाम चल रहा होगा, वो पढ़ रही होगी, लौड़ा नहीं कुछ ऐसा होता भाई मेरे। तो भाई अगर कोई भी सच में रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहता है ना तो भाई वो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के वो तुमसे 2 मिनट ही बात करेगा दिन के, पर वो बात करेगा। अगर भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती, तुमको टाइम नहीं देती है ना, अगर भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी लाइफ में, तो भाई तुम यहाँ पे ये सोच सकते हो कि उसके लाइफ में कोई और बंदा आ चुका है, या तुम में इंटरेस्ट उसका खत्म हो चुका है। तो भाई अगर एक बार इंटरेस्ट लड़की में खत्म हो जाता है तो भाई तुम इंटरेस्ट ला सकते हो, पर भाई अगर तो उसको कोई और पसंद आ गया ना तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तुमको बस पता लगाना, अगर तुम पता नहीं लगा सकते ना तो भाई उस लड़की को तुरंत छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अनहाइजेनिक है,
छोड़ दो। और भाई जो तीसरा पॉइंट है कि भाई लड़की बहुत बार अगर भाई किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है और भाई उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड हो चुका है तो भाई उसको कंपेयर करने लगती है तुमसे, अपने एक्स को कंपेयर करने लगती है तुमसे। तो भाई अगर तुम ये देखते हो ना कि भाई तुम्हारा यहाँ पे कंपेयर हो रहा है तो भाई तुम उस लड़की को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि भाई लाइफ टाइम तक वो तुमसे कंपेयर ही करती रहेगी। मेरा एक्स ऐसा था, मेरा एक्स वैसा था, मेरा एक्स ये कच्छा पहनता था, मेरा एक्स तुम्हारी एक्स की माँ का। अरे हमें नहीं जानना है कि मतलब तुम्हारा एक्स क्या कर रहा था, तुम्हारा एक्स नंगा घूम रहा था, कच्छा पहन के घूम रहा था, बिना कच्छे के घूम रहा था, गधे पे घूम रहा था, ये वो नहीं जानना है हमें। अगर भाई ये लड़की करती है ना तो भाई तुम वहां से चुपचाप निकल जाओ, पागल लड़की है भाई वो। और भाई अगर तुम यहाँ पे ये पूछते कि तुम मेरा कंपेयर कर रही हो अपने एक्स से तो कहेगी नहीं नहीं कंपेयर नहीं कर रहे, जस्ट बता रहे हैं कि मेरा एक्स ऐसा था, मेरा एक्स वैसा करता था। अबे नहीं जानना है मेरे को, अपना एक्स अपने पास रखो नहीं तो तुम चली जाओ मेरी लाइफ से। तुमको भाई ये जवाब दे के वहां से चुपचाप निकल जाना है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई अगर कोई भी लड़की का तुम अगर भाई उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिए, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट उसका ओपन करके देखे इतने सारे लोग से वो चैट कर रही है, या भाई उसको तुम सामने से कभी पकड़ लिए कि मतलब वो कॉल कर रही है किसी को, वो कॉल पे बात कर रही है, या उसका व्हाट्सएप पे कहीं पे भी अगर मैसेज देख लिया भाई वो किसी के साथ घूमने जा रही है, ठीक है, पहला चीज यही उसका रहेगा कि ये मेरा फ्रेंड है, हम अपने फ्रेंड के साथ बस घूमने जा रहे हैं, ये कुछ सीरियस मैटर नहीं होने वाला है, हम तुम ही से प्यार करेंगे। तो भाई अगर तुम यहाँ पे चूतिया बन गए ना तो भाई तुम चुद जाओगे, और भाई हो सकता है यहाँ पे तुम्हारा लड़ाई भी हो जाए उस लड़की से। तो भाई लड़की तुमको ये बोलेगी जो सोचना है तुम सोचो, ऐसा तो हम कुछ किए नहीं, फिर भाई तुमको लगेगा कि हाँ हाँ, मतलब अगर ऐसा वो लड़की बोले कि जो सोचना है सोचो तो भाई तुमको भी लगेगा कि हाँ एक टाइम के लिए हाँ हाँ ये लड़की सही है, बस ये उसके अपने दोस्त के साथ एक किसी मतलब रैंडम पर्सन के साथ बस घूमने गई थी। और भाई अगर यहाँ पे तुम उसका विश्वास कर लिए उसकी बातों का तो भाई तुमसे बड़ा लंड नहीं देखे भाई, मान गए भाई तुमको। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि भाई अगर तुम किसी भी मतलब नई लड़की को पटाने जा रहे हो, ठीक है, मतलब उससे तुम मिले तो भाई अगर तुमसे वो लड़की कहती है कोई नहीं है मेरे पास, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह, अगर भाई लड़की यहाँ पे कहती है ना तो तुम फंस जाओगे, हम भी फंसे थे भाई। तो भाई अगर तुम यहाँ पे फंस गए तो तुम चूतिया, हम भी थे, पर अब समझ में आ गया, क्योंकि वो भाई तुमको इमोशनल ब्लैकमेल करेगी तुमको पटाने के लिए, फिर तुम्हारा कुछ दिन बाद तुम्हारा भी सेम काटेगी। और यही चीज जो तुमसे अभी बोली है मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास ये रही है वो रही है, वो किसी और से जाके बोलेगी, फिर वो किसी और से पटेगी, फिर उसका भी काटेगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो भाई तुम बेवकूफ मत बनना यहाँ पे, अगर भाई ऐसा कुछ भी लड़की कहती है तो भाई उसको पटाने को मत सोचो, काम करो अपना, वहां से निकल जाओ। अब भाई ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। और भाई जो सिक्स पॉइंट है कि भाई अगर तुम लड़की के साथ हो ना तो भाई लड़की तुमसे हमेशा कहेगी तुम्हारी गलती है, मतलब तुम्हारी गलती वहाँ पे रहे भी ना, ना तुम अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो किसी भी लड़की के साथ तो भाई वहाँ पे लड़की ना तुमको मतलब उसी की गलती रहेगी, या भाई तुम दोनों की गलती किसी की नहीं रहेगी, पर भाई उस चूती लड़की को लड़ाई करना है तुमसे, लड़ाई करके कहेगी तुम्हारी गलती है। और भाई अगर उसकी भी गलती रहे ना तभी वो कहेगी तुम्हारी ही गलती है। तो भाई ऐसी लड़कियों से दूर रहना, क्योंकि वो कभी सॉरी नहीं बोलती है और हमेशा मुंह फुला के बैठी रहेगी। और भाई लड़की ये पॉइंट खोजती है ना जब उसको ब्रेकअप करना रहेगा कि तुम मेरे से हमेशा लड़ाई करते हो वगैरह वगैरह करके ना वो तुमको छोड़ के चली जाएगी। तो भाई अगर ऐसी लड़की स्टार्टिंग में अगर तुम ये सब चीज़ नोटिस करते हो कि वो छोटी छोटी बात पर अगर तुमसे वो लड़ाई करती है, अगर उसका गलती रहता है वो तुमसे सॉरी बुलवाती है वगैरह ऐसा वैसा, तो भाई तुम यहाँ पे समझ जाना तुम्हारा आगे जाके कटने वाला है। ये जो उसको टॉपिक मिला है कि मतलब हमेशा तुम्हारी गलती रहती है, तुम हमको सॉरी नहीं बोलते हो, ये नहीं बोलते वो नहीं बोलते हो, छोड़ दो भाई उसको, नहीं तो वो छोड़ेगी, बहुत गंदा कटेगा तुम्हारा, छोड़ दो उसको। और भाई जो सेवन्थ पॉइंट है कि भाई एक तुमको लड़की मिलेगी, ठीक है, वो बस तुम्हारे कमियां गिनवाएगी कि अगर तुम्हारे आईब्रोज ऐसे रहते तो ऐसे लगते, तुम अगर ऐसे कपड़े पहनते तो तुम वैसे करते, बस भाई तुम्हारी कमियां खोजेगी तुम्हारे अंदर भाई, उसके अंदर मतलब तुम्हारे अंदर उसको अच्छाई दिखेगी ही नहीं।
तो भाई ऐसी लड़की ना मतलब जिंदगी भर तुम्हारे कमियां खोजेगी और फिर जब तुमको छोड़ के जाएगी ना तुम में बोलेगी कि ये कमी है तुम्हारे अंदर, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, हमको तुम्हारे में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अगर भाई ये सब तुमको सुनना है तो भाई लड़की के साथ रहो, ठीक है। वो तुमको ये सब जरूर बोलेगी कि ये तुम्हारी कमी थी, तुम इसको नहीं सुधारे, इसके वजह से हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, पहला चीज ये। दूसरा चीज, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस नहीं सही है, तुमको उस पर इम्प्रूव करने को नहीं बताएगी, बस कमियां बताएगी। फिर बाद में मतलब जब सब कुछ मतलब उसको अगर नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तब वो कहेगी तुम चूतिए, ये सब कुछ सही चीज नहीं की, अच्छे से नहीं किए, तुम वो एक नंबर के चूतिए है, तुमको हम गार्ड पे लात मार के तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं। अगर भाई तुमको ये सब चीज नहीं सुनना है तो भाई उस लड़की को पहले ही छोड़ दो, बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई एडवाइस दे रहा है भाई। और भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अगर तुम एक लड़की को देखोगे, एक क्या सारी लड़की को मान लेते हैं, कि भाई बहुत सारी लड़कियां कहती है इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, ये जो तुम्हारा दोस्त है बहुत बड़ा आवारा है वगैरह है वगैरह, ये है वो है, ये सब तुमसे बोल के ना बस वो अपनी बातें तुमसे मनवाने लगेगी। तो भाई तुम लोग तुम ही सोचो कि भाई तुम मतलब अपने दोस्त के साथ हो और भाई वो तुमको वहां से उठा के मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ के कह रही है चलो इस आवारा के साथ इस चूतिए के साथ क्यों घूम रहे हो, तो तुमको कैसा फील होगा भाई, और तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा। तो भाई तुम उसके गुलाम तो नहीं ना हो, तुम भाई उसके साथ रिलेशनशिप में हो, उससे प्यार करते हो, वो भी शायद तुमसे प्यार करती हो, पर भाई एक रिलेशनशिप में कभी भी कोई किसी का गुलामी नहीं करता। तो भाई अगर लड़की तुमसे कहती है मेरी सारी बात मानो, जिससे हम बोल रहे हैं उससे बात करो, जिससे नहीं बोल रहे उससे मत बात करो, अगर भाई तुम संस्कारी रिलेशनशिप चाहते हो तो भाई तुम घुसे रहो। मतलब एक नहीं होता कि मतलब एक पिंजड़े में बंद हुआ शेर जो अपने मालिक की बात मानता है, जिसके हाथ में चाबुक रहता है, तो वो लड़की चाबुक मास्टर है, रिंग मास्टर, और तुम भाई पिंजड़े में बंद हुए शेर। तो भाई तुम ही को डिसाइड करना है तुमको क्या करना है, क्योंकि भाई आगे चल के वो तुमको छोड़ देगी, क्योंकि भाई तुम जितना ज्यादा लड़कियों की बात मानोगे ना तुम उतना ही अनइंटरेस्टेड होते जाओगे, और भाई लड़की को तुम्हारे में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो खुद लात मार देगी। तो भाई लास्ट पॉइंट है कि भाई जब भी तुम किसी रिलेशनशिप में रहो ना तो भाई चीटिंग तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई रिलेशनशिप इज गुड, ठीक है। कीचड़ में पत्थर मारना है तो भाई अगर पत्थर मारोगे तो भाई कीचड़ तुम्हारे ऊपर तो आएगा, पर भाई ऐसी बहुत सारी लड़कियां होगी वो तुमसे कहेंगी कि तुम मेरे को चीट कर रहे हो, मतलब जबरदस्ती अगर तुम रिलेशनशिप में हो ना उन लड़कियों के साथ, वो तुमसे कहेगी तुम मेरे को चीट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब अगर भाई गलती से भी मतलब तुम्हारा फोन बिजी चला गया या भाई उनको शक होने लगा बिना किसी भाई प्रूफ के, भाई बोलेगी ना तुम चीटिंग कर रहे हो। इसका क्या मतलब होगा भाई, मतलब तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते, तुम किसी से मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, भाई बिना किसी भी प्रूफ के बिना एविडेंस के वो तुम्हें बस बोलेगी तुम मेरे से चीट कर रहे हो। तो भाई इस लड़कियों से दूर हो जाओ पहले ही, क्योंकि भाई ये लड़की तुमको ऐसे लात मार के भगाने वाली है अपने लाइफ से, यही कह के कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम इस लड़की के साथ घूम रहे हो, उस लड़की के साथ सोए हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अगर भाई तुमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है तो भाई पहले ही निकल जाओ, नहीं तो भाई बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना है, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई तुम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ब्रो।